जैसे ये शिवलिंग आपने बनाया बालू रेत का मिट्टी का, जो शिवलिंग का निर्माण करा है, उस शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में आपके मध्य में जब आप शिवलिंग बनाते हो घर के अंदर हॉल में या मंदिर में, तो ऊपर कोई कुंडी वगैरह लगी हो, पंखा लगाओ, उस पे से रस्सी बांध कर लेकर आकर इस फुलेरे को इस तरह से शिवजी के ऊपर लटकाया जाता है, इसको फुलेरा कहते हैं। ये भगवान शंकर का अखंड सौभाग्य देने का फुलेरा होता है, जिसको माता पार्वती जी, उमा, कात्यायनी देवियों ने इसका स्मरण किया। एक गोल होता है, गोल चौकोर तिरछा जिस तरह से भी बनाना हो, पर शिवजी के ऊपर नीचे शंकर भगवान होते हैं, ये थोड़ा ऊंचा, जिससे पूजन भी आराम से हो जाए, इसको ऊंचाई की ओर लगाया जाता है, जिससे भगवान, जैसे अपन जलाधारी लगाते हैं उसी तरह से इस फुलेरे को लगाया जाता है। तो इस फुलेरे में कहीं ना कहीं पत्तियों को भी लगाना चाहिए, माला के साथ में कोई आम की पत्ती हुई, अशोक की पत्तियां हुई, उसका भी स्मरण इसमें आता है। महाराज शिव मंदिर में अगर जलाधारी भी लगी हुई है तो जलाधारी से फूल बांधकर नीचे की ओर लटकाना चाहिए, पर लटकाना चाहिए, फुलेरा बनाना चाहिए। सात फल हैं फुलेरा, कितने फल हैं? सात। ध्यान दीजिएगा, पहला, फुलेरा जो नारी व्रत करती आती है और व्रत कर्म उसका चलता रहता है, उस व्रत कर्म के अंतर्गत मान लो किसी कारणवश बीमारी में, कोई गमी के अंतर, कोई सूतक सावड़ के अंतर्गत अगर नारी पूजन नहीं कर पाती है, पूजन नहीं कर पाई और उसने केवल फुलेरे का दर्शन ही कर लिया, अपने पलंग पर पड़ी पड़ी भी फुलेरे का दर्शन कर लिया है, तो नारी को हड़ताली का तीज के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। सात फल है भगवान शंकर के हड़ताली का तीज के फुलेरे का। पहला फल व्रत का मूल, दूसरा यदि कोई नारी आई और उसके संतान नहीं, 10 साल, 8 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 12 साल, 15 साल हो गए, उस फुलेरे का मात्र स्मरण कर एक पुष्प भी उसने अगर हल्दी कुकू का लगाकर उस फुलेरे का टच कर भगवान शिव के पावन चरणों में रख दिया है और विनती कर गई है, तो अगला फुलेरा वो खुद बनवाती है, उसकी गोदी में संतान आ ही जाएगा। अगला फुलेरा वो खुद बनवाएगी, के जाएगी, जीजी अगली बार फुलेरा मेरी तरफ से बनवा देना, मंदिर में फुलेरा मेरी तरफ से लगवाना, अगली बार जब तुम पूजन करो तो फुलेरा मेरी तरफ से बनवाना, ये फुलेरे का मात्र। तीसरा महाराज, हम कोई दान, गौदान, हड़तालिका तीज की किताब है आपके यहाँ, जो लोग पढ़ते होंगे हड़ताली का तीज की किताब, उसमें लिखा है ब्राह्मण देव को ये दान देना है, ऐसा दान देना है। अब कोई गरीब है, कोई साधारण है, नहीं है किसी की कैपेसिटी, नहीं दे सकता, तो क्या होता है? तो कहां हम गौदान नहीं कर पाते, हम स्वर्ण दान नहीं कर पाते, हम वस्त्र दान नहीं कर पाते, हम मुद्रा दान नहीं कर पाते, हम अन्न दान नहीं कर पाते, हम ये सारे दान अगर नहीं भी कर पाते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है तीसरा फल फुलेरे का है कि मात्र फुलेरे का दर्शन स्पर्श कर लेने से सारे दानों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। यह तीसरा फल फुलेरे का। अब हड़ताली का तीज का फुलेरे का चौथा महत्व है महाराज, चतुर्थ महत्व हड़ताली का तीज के फुलेरे का है, जो कुंवारी कन्या हड़ताली का व्रत करती है, पहली बार जो हड़ताली का तीज का व्रत करती हैं, या हड़ताली का तीज का उद्यापन कर देती हैं, या किसी कारणवश शरीर ऐसा नहीं रहा कि बिना पानी के नहीं रह सकती, तो दो बूंद अगर उन्होंने पानी भी पी लिया है, या कोई कारणवश एक कुछ गलती हो भी गई है, तो मात्र फुलेरे का दर्शन कर लेने से वो गलती शंकर स्वीकार कर उसको क्षमा कर देते हैं। ये चतुर्थ भाव के अंतर्गत फुलेरे का अगला वर्णन करा गया महाराज। शिव तत्व की ओर, शंकर भगवान की ओर, हम ना काशी जा सकते हैं, हम ना सोमनाथ जा सकते हैं, हम ना किसी स्थान पर जाकर एकांत में भगवान शंकर का स्मरण कर सकते हैं। मान लो हमें एकांत में बैठकर शिव की भक्ति करना है, किसी मंदिर में, किसी देवालय में जाकर भक्ति करना है, तो फुलेरे का मात्र दर्शन करने से, पूजन स्मरण करने से उस भक्ति का फल भी हमारे खाते में आ जाता है। और फिर अगला
आखिरी का जो वर्णन किया गया है वो कहा गया कि पार्वती मैया गुफा में जाकर भगवान का भजन करती थी, शिव का स्मरण करती थी और फिर अपनी सहेलियों के साथ बैठकर शंकर का स्मरण करा, जिसका फल पार्वती को मिला। तो कहा हम ना किसी गुफा में प्रवेश कर सकते हैं, ना हम किसी गुफा में या जंगल में जा सकते हैं, इस फुलेरे के नीचे शंकर भगवान की जब अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, हरतालिका तीज के दिन फुलेरे के नीचे हम भगवान शिव की पूजन करते हैं, तो हमारा वन में किया गया भजन का फल ही हमको प्राप्त हो जाता है। ऐसे फुलेरे का स्मरण।